दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाज पक्षी के बारे में। दोस्तों बाज को कौन नहीं जानता है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बाज के बारे में ऐसी रोचक बातें बताने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बाज एक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेजी के लिए जाना जाता है। यह आसमान में उड़ता हुआ जमीन पर मौजूद शिकार पर झपट्टा मारकर उसका शिकार करता है। दोस्तों बाज दुनिया भर में पाया जाने वाला पक्षी है, यह भारत में भी मिलता है। इस पक्षी की अब तक 60 ज्यादा प्रजाति खोजी जा चुकी हैं। बाज अपने घोंसले ऊंची चट्टानों और पेड़ों पर बनाते हैं। ज्यादातर समय बाज दूसरे पक्षी के घोंसले में अधिकार जमाते हैं या पहाड़ी और रेगिस्तान इलाकों में अधिकतर पाए जाते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है बाज पक्षी की चोंच बहुत ही शक्तिशाली होती है जिससे यह अपने शिकार को चीर फाड़ देता है। इसकी चोंच 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी होती है। बाज का रंग काला भूरा सफेद होता है। इसकी अलग अलग प्रजाति का रंग भी अलग होता है। एक वयस्क बाज का वजन करीब 10 किलो तक होता है। इसके पंजे ताकतवर और नुकीले होते हैं। दोस्तों बाज पक्षी आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। यह आकाश में 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसके उड़ने की रफ्तार करीब 210 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों यह पक्षी बिना अपने पंख को हिलाए आसमान में अधिक देर तक उड़ सकता है। दोस्तों आप लोगों ने आसमान में इस पक्षी को मंडराते हुए तो देखा ही होगा। बाज की नजर बहुत तेज होती है। यह करीब 5 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार को देख सकता है। बाज की आंखें बड़ी भी होती हैं। यह एक मछली का शिकार पानी में गोता लगाकर कर सकता है। इसे वो मछली 5 किलोमीटर की ऊंचाई से भी दिखाई दे जाती है। दोस्तों बाज अपने वजन से 2 गुना वजनी शिकार को भी आसानी से पकड़ लेता है। यह बेहद खतरनाक शिकारी होता है। बाज जमीन पर मौजूद शिकार पर आक्रमण करके उसे पंजों में दबोच लेते हैं। बाज में तेजी और फुर्ती दोनों होती है। मादा बाज एक बार में 1 से 3 अंडे देती है और इन अंडों को करीब 36 दिन तक सेती है। इसके बाद अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं। नर बाज का कार्य अंडों को शिकारी जानवरों से रक्षा करना और भोजन उपलब्ध करवाना होता है। बाज एक मांसाहारी पक्षी है। बाज का मुख्य भोजन चूहा, मछली, सांप, मेंढक होता है। और दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि बाज का औसत जीवन काल 70 वर्ष तक होता है, लेकिन 40 की उम्र तक आते आते बाज का शरीर ढीला पड़ जाता है। वह इस उम्र के बाद शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। और दोस्तों इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि बाज बूढ़ा होने पर अपने पंखों को तोड़ देता है और चट्टान पर चोंच को रगड़कर तोड़ देता है, जिसके कारण बाज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और धीरे धीरे वह अपने पंखों को भी तोड़ देता है। बाज को हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का वाहन भी माना जाता है। दोस्तों बाज की चीख बहुत ही कर्कश और तेज होती है। बाज को अरब देशों में शौक के लिए पालतू पक्षी के तौर पर भी पाला जाता है। यह UAE देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।